कि वहां उनके प्रदेश अध्यक्ष गनी अब्दुल मीर, उन्होंने जो कहा है मैं कहता हूं पहले, वो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहते हैं ये घटना के बाद और जब पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ना शुरू किया, आरोपियों को पकड़ना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि सवाल तो उठेंगे, लोकल पॉपुलेशन का मानना है कि रियल कल्प्रिट बाहर है, इन्वेस्टिगेशन मोटिवेटेड है, रफा दफा करने के चक्कर में है और कुछ तो लोकल पॉपुलेशन कह रही है वो जायज होगा। ये कौन कह रहा है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीर साहब। तो ये जब कह रहे हैं तो हम राहुल जी को पूछना चाहते, हाँ वीडियो पहले दिखाए तो वो भी देखने लायक है। एक बार वीडियो ऑन कर। तो ये है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लाइट हाँ, तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और ये वहां के लोकल पॉपुलेशन का क्या कहना है ऐसा बताकर खुद की बात कह रहे। हमारे दो मंत्री लोकल पॉपुलेशन के इस भावना को उजागर किया तो कांग्रेस ने और मीडिया में भी हो हल्ला मचा और जायज है। हमने तो कार्रवाई की, दोनों मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि वो रात में कैंडल मार्च निकालते हैं लेकिन अपने प्रदेशाध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, वहां उनका हाथ क्यों रुकता है। एक बात कहना, दूसरों पर उंगली दिखाना और खुद वैसे ही आचरण करने वाले को संरक्षण देना, यह कांग्रेस का चरित्र है। राहुल गांधी जी से हम और एक सवाल करना चाहते हैं। निर्भया का कांड हुआ, पूरा देश ऐसा ही उद्वेलित हुआ, तब तो इन्होंने कभी कैंडल मार्च नहीं निकाला। मिर्चपुर गोहाना हरियाणा में कांग्रेस सरकार के काल में, वहां महिलाओं पर अत्याचार हुआ, दलितों को मार मार के पीट पीट कर घरे जलाकर महिलाओं को बहुत अभद्रता से व्यवहार करके वो बेचारे सब दौड़ के और भाग कर यहां दिल्ली में आए, वहां कुछ नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में इतने कांड हुए बलात्कार, उस समय ये चुप बैठे। तो हम पूछना चाहते
कि तब नहीं कार्रवाई की, अब भी नहीं कर रहे। और दूसरे, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद है, उनके 2014 के लोकसभा इलेक्शन जो वो हारे, उस इलेक्शन के जो उनके एजेंट थे, वो एडवोकेट है, सलाह थिया, तो उन्होंने तो एक मांग की और पुलिस को जब वो कोर्ट में पेश कर रहे थे, उनको पेश नहीं होने दिया। तो गुलाम नबी जी की कोई जिम्मेवारी नहीं? इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा और गुलाम नबी जी चुप बैठेंगे और ये कहेंगे टेक्निकली कि वो तो मेरा एजेंट था, वो कोई कांग्रेस का नहीं। अरे एजेंट था माने आप कांग्रेस के है कि नहीं? आप कांग्रेस के नेता है, आपका चुनाव का प्रतिनिधि है, वो ऐसी हरकत करते हैं। गुलाम नबी जी को देश की माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को तुरंत गुलाम अब्दुल मीर को निकालना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को, क्योंकि इस तरह से देश देखता है कि आप किस में राजनीति कर रहे हो। हर देश के सामने कोई समस्या होती है, हमारे यहां भी ये बहुत विचित्र समस्या है। जेंडर सेंसिटाइजेशन पूरी तरीके से पीढ़ियों का न होने के कारण इस तरह की जघन्य घटनाएं जो घटती है, जितनी भर्त्सना करे कम है। और हम तो मांग करते हैं कि जैसे जोधपुर के एक बलात्कार कांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक महीने के अंदर पूरी कार्रवाई करके सजा दी, वैसी कड़ी से कड़ी सजा कठुआ कांड में आसिफा को न्याय देने के लिए होनी चाहिए। और मुझे न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है, न्याय होगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा वैसे हमारे देश के बेटियों को आगे बढ़ाना है, तो और जो उसको जो ये इस तरह का हमला कोई होता है तो ये कभी स्वीकार नहीं है और इसकी फास्ट ट्रैक होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी चुप कैसे है? राहुल गांधी, हम अपेक्षा करते हैं कि आज के आज आप प्रदेश अध्यक्ष को खारिज करोगे तो लोग कहेंगे कि कुछ तो आप कर रहे हो, नहीं तो दूसरे के आंख का छोटी चीज भी आपको दिखती है और आपके यहां जो दोष है वो आपको दिखते ही नहीं। ये नहीं चलता, ये न्याय नहीं होता, ये अन्याय है। और इसलिए निर्भया पर मिर्चपुर गोहाना में और वैसे तो हिसाब करें तो सिखों के पर जो नरसंहार हुआ सिखों का, उस समय भी महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए, वो कहेंगे मैं छोटा था। लेकिन फैक्ट रिमेंस कि आज अभी जो पिछले 10 साल में कांग्रेस के सरकार में जो जो हुआ है उसके बारे में कभी आपने बोला नहीं, ना कैंडल मार्च निकाला ना कुछ किया। दूसरा भी एक है जिसकी जानकारी मनोज जी देंगे, लेकिन कल एक टीवी चैनल ने दिखाया कि भगवा गमछा पहनकर जो लोग एक मस्जिद के सामने खड़े रहकर जय श्री राम, भारत माता की जय और बाकी अनेक नारे दे रहे थे, तलवार भांज रहे थे,
वो तो आम आदमी पार्टी के लोग थे। मैं कुछ दिनों की घटनाओं को देखकर कह सकता हूं कि देश में एक जानबूझकर बीजेपी को बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। बीजेपी का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए इस तरह के हथकंडे विपक्षी दल निराश हताश वो अपना सकते हैं, अपना रहे हैं। चुनाव में तो मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तो ये मेरा कहना है। आप जरा उस दिल्ली की घटना की जरा जानकारी दें। साथियों, आपको थोड़ी सी तो पता भी है और डिटेल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के किस प्रकार से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। विकास इनके लिए कोई एजेंडा नहीं रह गया, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वो मोदी सरकार से किसी भी स्तर पे अपनी तुलना नहीं कर सकते। और ये बराबर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में देश में दंगा फैले। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी आपको बताए, जिस दिन रामनवमी के दिन जुलूस निकल रहा था और कुछ लोग, मतलब मुश्किल से 4-5 लोग एक मस्जिद के सामने रुके और ऑलमोस्ट रामनवमी का वो जुलूस आगे निकल चुका था और ये लोग मस्जिद के सामने खड़े होके तलवार लहराए, जय श्री राम का नारा दिए और भी ऐसी कई बातें कहे जो एक कौमी एकता को चुनौती दे सकती है, उस समय लोगों की भावना को भड़का सकती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन लोगों ने लगाया, उनमें से दो व्यक्ति नंदलाल कनौजिया और मनीष नाम के व्यक्ति, ये केवल कहने के लिए, इसलिए नहीं कि उनकी गोपाल राय के साथ फोटो है, रामनिवास गोयल जी की विधानसभा अध्यक्ष के साथ फोटो है, उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो है, उनके तमाम लोगों के साथ गले में डाल के फोटो है, हम इसको भी छोड़ देते हैं। हम आपको वो पत्र बताना चाहते हैं जिस पत्र में इन लोगों ने उस व्यक्ति को अपना कार्यकर्ता घोषित किया है। इन लोगों ने स्पष्ट, आम आदमी पार्टी ने, सर मैं वो बोलना चाहता हूं, ये लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी कि प्रिय नंदलाल कनौजिया, ये वही व्यक्ति है जो उस दिन तलवार भांजने वालों का नेतृत्व कर रहा था, जिला साहदरा, संगठन सचिव वार्ड 30E, आम आदमी पार्टी के प्रति निष्ठा, लगन व आचरण को देखते हुए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अनुशंसा पर नंदलाल कनौजिया जी, आपको आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। आप वार्ड को मेरा बूथ सबसे मजबूत करेंगे, इस मिशन पे काम करेंगे। और ये भाई साहब ये कौमी एकता को नष्ट करने में, दंगा कराने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजे गए ये लोग, ये तो शुक्र है उस क्षेत्र के लोगों का, उस मस्जिद के लोगों का, जिन लोगों ने इस पर इतनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, वरना उस दिन वो घटना देखने को मिलती जो ये लगातार मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के नाम पर इनका कोई भी समर्थन नहीं है। हम जब किसी फ्लाईओवर के लिए बैठते हैं तो इसमें आवाज नहीं उठाते, बल्कि वो आम आदमी के खिलाफ अगर हम कहते हैं ये विकास करो तो कांग्रेस आ जाती है कि मनोज तिवारी ये आमरण अनशन क्यों बैठे हुए, ये फर्जी अनशन है। अनशन भी फर्जी होता है, मतलब विकास के मुद्दों को सपोर्ट नहीं करेंगे और दंगा कराने की हर कोशिश। ये खास तौर से ये पत्र मैं समझता हूं इस दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इनका भेद खुल चुका है और ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं इस देश में दिल्ली में दंगा फैलाने का, इसको निश्चित रूप से कल, मैं तो एबीपी के चैनल पे मैंने जो देखा उसका वायरल सच, उसमें एक एक चीज आई। आई वॉन्ट टू थैंक दिस चैनल और आप सभी मीडिया लोगों को, के चैनलों को, अखबारों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने सारी चीज को सही दिखाया, लेकिन दिल्ली की जनता सतर्क रहे और कानून भी अपना काम करे, इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
मैं आता हूँ, गुंडूराव पे भी आता हूँ, पहले इस विषय का एक बार। देखो मुद्दा ये है कि हमारे दो मंत्रियों ने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है उतना भी नहीं, जो भी कहा उन्होंने खुद होके, पार्टी का निर्णय हुआ और इसलिए उन्होंने इस्तीफे दिए, तो ये बात साफ है। लेकिन हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते कि आप कैंडल मार्च लेके ये दो मंत्रियों को हटाओ ये करके चल रहे थे, तो अभी क्या हुआ, आपके हाथ ठंडे क्यों पड़ गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कब निकालेंगे, यही हमारा सवाल है। देश के किसी भी भाग में कहीं भी कोई बलात्कार की घटना हो बिल्कुल निंदनीय है, अपराधियों को जल्दी सजा मिलनी चाहिए और हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं कहीं भी हो, और इसलिए हम भेद नहीं करते घटनाओं में, कहाँ हुआ कैसे हुआ ये नहीं कहते, जो भी इस तरह की घटना है निंदनीय है और अपराधियों को सजा होनी चाहिए, यही हमारी भूमिका हमेशा रहती है। नहीं, आज जो विषय है उसमें ये संबंधित नहीं है, तो इसलिए कश्मीर समस्या और उसके बारे में बहुत चर्चा होती है और सदा लगातार कश्मीर में एक प्रगति का दौर, चार साल में केंद्र सरकार की इतनी पहल, महबूबा जी ने मोदी जी के पहल का इतनी बार स्वागत किया है, तो वो महत्वपूर्ण। इस विषय में कोई और सवाल? अभी गुंडूराव जी का, हाँ, कर्नाटका के कांग्रेस के नेता गुंडूराव जी ने कहा है कि जूते की माला योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो पहनाएंगे, इस तरह का कोई उकसाने वाला बयान दिया है, जूते मारेंगे, तो ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वी कंडेम, दिस शोज द कांग्रेस एटीट्यूड, ये कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, अब हार रहे हैं, पैरों तले जमीन खिसक रही है और इसलिए कर्नाटक एकमात्र राज्य उनका बड़ा था वो भी अब जा रहा है उनकी, और इसलिए इसलिए वो इस तरह के बयान उकसाने वाले दे रहे हैं, हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे, हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे नेता कांग्रेस के हैं, इसकी भर्त्सना हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और वहां के सरकार ने भी भूमिका, मुख्यमंत्री महोदय ने कही है कि पूरा इंसाफ होगा और उसके लिए जो भी कानूनी कदम है वो उठाएंगे, और उसके लिए हमारी कोर्ट पर विश्वास है, न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है, और पुलिस चुस्ती से काम कर रही है, जो पुलिस ने ठीक नहीं काम किया उन पर भी जो कार्रवाई है वो हुई है, तो इसलिए ये इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थैंक यू।